हनुमान जी की मां का नाम क्या है और हनुमान जी की नानी का नाम? क्या? हां, अहिल्या, माता अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी, राम जी के चरण पड़े तो वो नारी हो गई। अहिल्या की बेटी गौतम ऋषि की नारी अहिल्या के गर्भ से माता अंजनी का जन्म हुआ और अंजनी से हनुमान जी का। अच्छा, हनुमान जी के पिता कौन है? कौन हनुमान जी के पिता कौन है? मारुति नंदन, पवन पुत्र, केसरी नंदन, शंकर सुवन, कितने हो गए? चार हो गए। अब कैसे तुम निष्कर्ष में पहुंचोगे? यही चौपाई नहीं, एक नाम नहीं है, पवन पुत्र, शंकर सुवन, दो यही हैं। शंकर अलग हैं, पवन अलग हैं, केसरी नंदन। अब उलझ गई ना बात, सुलझाएं, सुलझाएं, बोलो हाँ मैया। ये बात उन दिनों की है, हनुमान जी के जन्म से आप लोग परिचित नहीं है, चूंकि आज जन्मोत्सव है हनुमान जी का, तो मुझे लग रहा है कि आप सब हनुमान जी से जुड़ी कुछ कुछ, पूरी बातें तो मैं सारी जिंदगी ना सुना पाऊं हनुमान जी की, इतनी कथाएं हैं, लेकिन जितनी जरूरत की हैं वो आप समझ लें। तो हनुमान जी के जन्म की कथा है कुछ अद्भुत। हनुमत रहस्य नाम की एक पुस्तक है, उस हनुमत रहस्य में ये पूरा उल्लेख है हनुमान जी के जन्म का। हुआ ये था कि एक दिन शंकर जी ने कहा भगवान विष्णु से, हे प्रभु, मैं आपके सारे अवतारों को देखा, मैंने एक अवतार छूट गया, मोहिनी, एक बार दिखाओ। शंकर जी बोले, हमें कौन सा अवतार देखना है? मोहिनी। भगवान विष्णु बोले, मत देखो, काम बिगड़ जाएगा, मत देखो। शंकर जी जिद करने, नहीं हमें तो देखना। भगवान बोले, ना पड़ो चक्कर में शंकर जी, पागल हो जाओगे, भागे भागे फिरोगे। शंकर जी बोले, नहीं हमें तो देखना है, हमें तो देखना है आपका मोहिनी रूप। तो भगवान बोले, जिद मत करो हनुमान जी, शंकर जी। शंकर जी नहीं माने और कहा कि आप मोहिनी रूप दिखाओ, और भगवान तो भक्तों के अधीन है। भगवान विष्णु ने कहा, मत देखो, परंतु वो माने नहीं। तब भगवान मोहिनी रूप प्रकट किए। कौन सा रूप प्रकट हुआ? जोर से, मोहिनी। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार मोहिनी अवतार है। किन का अवतार है ये? भगवान श्रीमन नारायण का, विष्णु भगवान मोहिनी बनकर आए। और जब मोहिनी बने तो शंकर जी ने मोहिनी भगवान को देखा तो इतने सुंदर थे मोहिनी भगवान कि शंकर जी दौड़ पड़े मोहिनी भगवान को पाने के लिए। आहा हा, बहुत सुंदर है। और जब मोहिनी भगवान को देखा शिव जी ने तो भगवान शिव कामांध हो गए। जब कामांध हुए तो भगवान शिव का तेज गिर गया, और जैसे शिव का तेज निकला तो वो पृथ्वी पर गिरता तो पृथ्वी सहना पाती शिव के उस तेज को, उस शिव के परम दिव्य प्रभाव को। तो भगवान मोहिनी ने अपने विष्णु स्वरूप में आकर, प्रभु ने फिर अपना विष्णु रूप धारण किया और शिव का गिरता हुआ वह तेज जो पृथ्वी पर गिरता तो पृथ्वी नष्ट हो जाती, भगवान विष्णु ने अपने हाथ में धारण किया। अब शिव जी का तेज था,
भगवान विष्णु के हाथों में। अब तब तक शिवजी का रूप ठीक हो गया, काम समाप्त हो गया। अब शिवजी बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, अपराध हो गया। भगवान बोले, कोई बात नहीं, चलो अब ये बताओ इसे कहां पहुंचाएं। तो पता लगा कि किसी संत ने अंजनी से कह रखा था कि तुम्हें कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाएगा। तो अंजनी माने अपने आप को एक गुफा के अंदर बंद कर रखा था, किसी पुरुष को देखूंगी ही नहीं। तो शंकर जी और भगवान विष्णु दोनों अंजनी माँ के पास गए, वो गुफा के अंदर थी। कहा कि बड़ी प्यास लगी है, कुछ पानी मिलेगा? अंजनी माँ बोली, पानी मिलेगा, पर मैं किसी पुरुष को देखूंगी नहीं, आप वहीं से अपना पानी पी लीजिए, मैं अंदर से यहाँ पानी डाल रही हूँ। गुफा थी, धार रही होगी, अंदर से पानी डाला, आप बाहर पी लो, ठीक है। पर ये बताओ, तुमने गुरु मंत्र लिया है? नहीं महाराज, गुरु मंत्र तो नहीं लिया। तो फिर पहले मंत्र लो, कान आगे करो। तो माता अंजनी को वह शिवजी का तेज कान के माध्यम से वायु देवता के सहयोग से, चूंकि वायु कब काम पड़ेगा, तो वह हाथ में रखा हुआ तेज वायु के द्वारा वह माता अंजनी के कानों से गर्भ में स्थापित किया गया और माता अंजनी गर्भवती हुई। वो शिवजी का तेज था। फिर केसरी से माता अंजनी का विवाह हुआ। किससे विवाह हुआ? अब देखो तीनों को जोड़ दो। शंकर जी का तेज गया तो शंकर सुवन, पवन के द्वारा गया तो पवन पुत्र, केसरी से विवाह हुआ माता अंजनी का तो केसरी नंदन, इसलिए शंकर सुवन पवन पुत्र केसरी नंदन, तीनों एक साथ। क्योंकि शंकर, अब कोई पूछे कि हनुमान जी शंकर जी के अवतार कैसे, तो शंकर जी के तेज से ही हनुमान जी उत्पन्न हुए, इसलिए शंकर सुवन पवन के द्वारा। इसलिए जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए लक्ष्मण जी के लिए, तो भरत जी ने बाण मारा, बोलो हां। तो जब बाण मारा तो हनुमान जी नीचे गिर गए, बोलो हां। मैया सोलो मेरी मां, ऐसे ऐसे कर रही है माता, जैसे भाव आ रहे हैं, अच्छा अच्छा। मैया सुनो, तो हनुमान जी माता अंजनी के पुत्र बने। अब यहां एक बात समझनी है कि हनुमान जी शंकर सुवन तो हैं, जब अयोध्या में भरत जी ने बाण मारा तो हनुमान जी नीचे गिर गए। जब बताओ हनुमान जी नीचे गिरे तो जो पहाड़ हाथ में था वो कहां चला गया, आप बताओ? हनुमान जी तो नीचे गिर गए, बाण मारा और नीचे गिरे, वो पहाड़ भी नीचे गिरा होता तो सारे लोग दबके मर ना जाते, पहाड़ इतने ऊपर से गिरता तो वही कई टुकड़े हो जाता। कहां गया था पहाड़ भाई? अब वो तो मूर्छित होके गिर पड़े हनुमान जी, तो हाथ में कैसे रहेगा? हनुमान जी तो मूर्छित होके गिरे और हनुमान जी के पास भरत जी गए, कहां हो, कौन हो, वहां तो कोई पहाड़ था नहीं, कहां चला गया? हां हां हां, ऊपर ही था पहाड़। किसने पकड़ा? हनुमान जी के पिता ने, पवन देव, ऊपर ही रखा, जैसे बादल ऊपर ही रहते हैं, जैसे बादल ऊपर ही रहते हैं, ऐसे हनुमान जी ने पहाड़, जब नीचे हनुमान जी गिरे तो पवन देव ने पहाड़ को ऊपर ही थाम रखा। इस तरह हनुमान जी का जन्म हुआ और हनुमान जी राम जी के दास हैं।
सोचिए जब हनुमान जी महाभारत हुआ तो उस ध्वजा पर अर्जुन वाले रथ के ध्वजा पर हनुमान जी विराजे थे, तो सारे अवतारों में हनुमान जी साथ में थे। हनुमान जी की कथाएं अनंत हैं।